सर, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ मैं, और मैं चाहूँगा आप मेरी आवाज़ पूरे हरियाणा में उठाएं जी। मैं वार्ड नंबर 13 का पार्षद हूँ, और पहले दो ढाई साल पहले काम नहीं हुआ, अब काम की उम्मीद जगी तो इन्होंने हमारा वार्ड अनऑथराइज कर दिया पिछले कुछ अधिकारियों ने, क्योंकि काफ़ी सालों पुरानी बस्ती थी, जिस टाइम कॉलोनियाँ भी नहीं हुआ करती थी, जिस टाइम हमारी आबादी दे थी, पुरानी आबादी दे, और हमारे मोहल्ले में सारी फैसिलिटी है, सीवर लाइन भी है, पाइप लाइन भी है, नगर पालिका से सारे रोड भी बनाए जा चुके हैं, और उन रोड की हालत जर्जर हो रही है, और उसके लिए मैंने हाउस में प्रस्ताव पास करवा रखा था, और अब कुछ काम लगने की उम्मीद थी कि काम लगेंगे, वार्ड में कुछ काम होगा, और मैंने 3-4 काम अपने वार्ड के दे रखे थे जो ज़रूरी थे, और उन वार्डों पर इनको टेंट लगाने के नहीं लगा रहे अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं, ये कहते कि आपके कॉलोनी अनुपरूड है तब काम नहीं होगा। अरे काम नहीं होगा, पहले रोड बने हुए नगर पालिका से, और आपके आज के नहीं, बहुत काफ़ी सालों रोड बने हुए हैं, उन्हीं रोड पे तो मैं काम करवा रहा हूँ, कोई नई गली में बनवा नहीं रहा। और बताओ, और मैंने DMC को भी मैसेज करा, कुछ दिन पहले भी मैंने लिख के भी मैसेज किया था, उन्होंने कहा जी मीटिंग हूँ चंडीगढ़ मोल जी, मेरा तो सोल्यूशन करो आप, लोग तो मेरी जान खा जाएंगे, लोगों ने वोट दिए जिस विश्वास बढ़ा के भेजा है, उसी विश्वास पर मैं चाहता हूँ कि वार्ड में काम हो। अब DMC को मैं 4-5 को लब्बी कर चुका हूँ, फ़ोन उठा के कोई सोल्यूशन नहीं है, मैं तो मेरी सरकार से यही गुवारी ना, अधिकारी पर लगाम लगाई जाए, ये तो एक जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा व्यवहार है तो आम जनता के साथ कैसे व्यवहार करते होंगे। मैं आपको बता दूं, अगर मैं गलत हूं तो मेरे को बताएं भाई, जिस वार्ड में पहले नगर पालिका रोड बना चुकी है, सारा काम है, मैं कोई नया रोड बनवा नहीं रहा, उसी रोड के ऊपर रोड बनवाना चाहता हूँ भाई, जो नगर पालिका उनकी हालत जर्जर हो चुकी है, एक हमारा मायचंद मोहल्ले वाला रोड है जिसमें पानी भरता है, आप कई बार आप वीडियो बना के भी लाते हो, एक वो रोड था हमारा, एक हमारे 2-3 रोड और भी थे जिसमें हालात उनकी जर्जर है, उन रोड को हम बनवाना चाहते थे, और ये नगर पालिका के अधिकारी नहीं चाहते कि हाँ उस वार्ड में काम हो, क्यों पता नहीं हमने इनका किया काले चने चबा लिए, पता समझ में नहीं आ रहा। हालांकि मैं तो सरकार से यही गुहार करूँगा नायब जी ज्ञानी सिंह से, इन अधिकारी पर लगाम लगाई जाए, और हो सके तो इनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। जो ये क्या कह रहे हैं कि ये इनको जो अप्रूव होगा तो काम करेंगे, अप्रूव नहीं है अब एरिया मोहल्ला कब से, ये तो अभी इन्होंने करा नहीं, पहले तो अप्रूव था भाई, जब मैं कह रहा जब इतनी पुरानी आबादी है ये, अरे अप्रूव अनप्रूव तो वो होता है जो नया क्षेत्र जुड़ता है, और जो सरूसी नगर पालिका की सारी फैसिलिटी ले रहा है, हमारी प्रॉपर्टी ऐड रही है, हाउस टैक्स भी भर रहे, सारा काम कर रहे हैं। मोहल्ले का क्या नाम बताया आपने? मोहल्ला खटीकान, मोहल्ला मायचंद। खटीकान मोहल्ला कितने समय से? देखो जी 100 साल से ऊपर पुरानी बस्ती है हमारी, मतलब देश आजाद उससे पहले से ही। हाँ हम रह रहे हैं उस टाइम, हमारे आज भी हमारे वहाँ पुराने टाइमों के खंडर अभी भी हमारे वहाँ मौजूद है, जो मुसलमान टाइम में हवेली हुआ करती थी, अब भी हमारे वार्ड में मौजूद है हवेली। अच्छा हाँ, और उसको अभी महेंद्रगढ़ में नहीं बता रहे, अनप्रूव बता रहे हैं, काम करके नहीं दे रहे। अरे काम करो ना करो, कम से फोन तो उठाओ, हमें फोन भी नहीं उठाते या मिलते भी नहीं। मिलते तो क्या है, जय साहब को बोला, जय साहब बोला ये अनप्रूव होगा, मैं काम नहीं कर सकता, बताओ। मैं कह रहा जी मैं जिस रोड पर बन चुका उस रोड पर तो काम करवाओ, नई गली मत बनाओ आप। चलो अब और एक बार इससे पहले इलेक्शनों से पहले एक बार डॉक्टर यशपाल जी आए थे, डायरेक्टर जी, वो बोले जी आपकी वार्ड की सर्वे करवाएंगे, सर्वे जल्दी का आपका, और उन्होंने ये भी कहा था इसमें कोई दिक्कत इशू नहीं है, काम करवा सकते हो, जब आपको लग रहा है 60-70 साल पुरानी अगर बस्ती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, अप्रूव का कोई चक्कर नहीं है, अप्रूव हो जाएगी वो कॉलोनी जो भी कोई रहेगी हो, तो आप काम करो। तब भी ये नहीं काम करते, DMC से बीच में बात हुई, इन्होंने जी सेक्रेटरी साहब को बोल दिया है, सेक्रेटरी साहब के भाई कोई असर ही नहीं पड़ता, सेक्रेटरी साहब को मैं बीच में कई बार कह चुका जी सर्वे करवा लो आप, वार्ड में ना जाके तो आप शहर में सर्वे कर लो भाई, मोहल्ला खटीकान कितना पुराना है, कितनी पुरानी बस्ती, वो सर्वे कर लो आप, मेरे वार्ड में मत चले जाओ। मुख्य काम कौन से जो आप करवाना चाहते हैं? एक तो मेरा ये मायचंद मोहल्ले में जो बीच की गली जिसमें पानी भरता था वो था, एक मेरा माता सेरा वाली से लेकर बगीची तक का रोड था, एक अनिल महेश के घर से लेकर बगीची तक का रोड था, एक पंचायती बैठक से लेकर केवल तक का घर का रोड था, एक मेरा ये नारोल रोड से लेकर और ये भाई राम सिंह कोठी तक का रोड था, एक मेरा मुख्य द्वार था, जो भाई हमारे एक मुख्य द्वार लगे, हमारी पहचान हो मोहल्ले की मेन रोड के ऊपर, वो मेरे कई काम थे। पर ये ऐसा लगता है ना, अधिकारी जब तक लगाम नहीं लगाएगी सरकार, जब तक ये काम करके देंगे नहीं, तो ये आते हैं और सीट तोड़ के चले जाते हैं, इनको पता है कोई फ़ायदा है नहीं इस काम कोई करने का, इनका एक ही काम है सीट तोड़ने का, सीट तोड़ के जाते हैं। मैं सभी एक को नहीं बोलता, मैं सभी अधिकारी को बोल रहा हूँ, सभी अधिकारी काम करने के इच्छुक नहीं है। अरे जहाँ पहले काम हो चुका वहाँ तो काम करवा सकते हो, वहाँ नया कई गली बनवा रहा हूँ तो उसमें आप अड़चन लगा सकते हो। तो सरकार से और प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं? मैं तो यही उम्मीद करूँगा ये जल्द से जल्द मेरे वार्ड में काम की शुरू करवाए, क्योंकि मेरे वार्ड से भी सरकार में भागीदारी रही है, पूरे रूप से वोट मिले हैं मेरे वार्ड से भी सरकार को,
और मैं अपेक्षा करूँगा सरकार से, इन अधिकारियों से लगाम लगा के मेरे वार्ड को दोबारा अप्रूव करवाया जाए, क्योंकि पूरी अनदेखी की जा रही है मेरे वार्ड में। चेयरमैन विधायक इन सभी से बातचीत करी आपने इस विषय? मैंने चेयरमैन साहब से भी बात की थी, मैं बोले जी वोट तो आपको मिले हैं, आप भी कार्रवाई करो। मल जी मैं बात करता हूँ भाई, ऐसे नहीं है तो काम होना चाहिए। और कंवर सिंह जी से मैंने कहा था जी, मैंने अधिकारियों की मीटिंग लो, इनसे बात करो जी, जिस तरह की समस्या कर रहे हैं उस समस्या को सॉर्ट आउट। कंवर सिंह जी कह रहे हैं कि जल्द से जल्द हम इन अधिकारियों की मीटिंग लेंगे, अधिकारी काम नहीं करते पर हम इनको खींचेंगे और काम करने के विश्वास करते हुए काम करवाएंगे। कंवर सिंह जी के यही कहा कि दो चार दिन में कभी भी मीटिंग ले सकते हैं, पर